नमस्कार दोस्तों, तोली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान की जन्म कुंडली ना उसके पूरे जीवन के बारे में कुछ ना कुछ संकेत देते रहती है। ठीक उसी तरीके से कुछ दिन पहले मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा कि मैम, मेरे पति ने आज एक इतने बड़े एक्सीडेंट यानी हादसा होते होते टल गया कि वो उस हादसे का शिकार होते होते बच गए। तो क्या होता है कि हमारे पास ना बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों के पास लाने पड़ते हैं और आगाह करना पड़ता है। लेकिन जब मैंने उन सब्सक्राइबर के नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने जब मुझे ये लिखा तो मुझे लगा कि नहीं, सबसे पहली चीज़ है कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इससे बचाव कैसे किया जाए। देखिए, मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि ये एस्ट्रोलॉजी जो है मुझे बहुत पहले से शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे भाई की जब मृत्यु हुई थी ना तो वो राहु की दशा से गुजर रहा था और वो भी काफ़ी सामान्य दशा से गुजर रहा था। लेकिन उस वक्त इतना पता नहीं था, जिस कारण से क्या हुआ उसका बचाव नहीं हो सका था। तो कोई चीज़ होती है ना कि सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो ठीक उसी तरीके से एक्सीडेंट भी एक ऐसी चीज़ है कि जो बिन बोले दावत देकर कभी नहीं आती है, या फिर आपको पहले से अलर्ट करके नहीं आती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि प्रिकॉशन होती है जो हम लोगों अगर अपनाते हैं तो इस तरह की चीज़ों से हम ज़रूर बच पाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में दुर्घटना योग है तो अक्सर उनके साथ ना दुर्घटनाएँ होते रहती हैं। जैसे कभी यूं ही हल्की सी चोट में भी कभी हड्डी टूट जाती है, पैर मुचक जाता है, बस पे चढ़े नहीं कि गिर गए, बाइक चला रहे थे कि फिर बाइक से ही गिर गए, किसी ने पीछे से आके धक्का दे दिया। हम सावधान हैं, सावधानता के साथ भी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो जाती है किसी दूसरे की गलती की वजह से। ठीक है, तो ये योग ही होती है जो कि कुंडली में होती है। तो सावधानी पूर्वक चलाने के बावजूद भी उसी लोगों के साथ दुर्घटना होती रहती है। तो दुर्घटना के इन योगों से बचने के लिए ज्योतिष में कुछ उपाय भी बताए गए हैं जो मैं आप लोगों को अब बताऊंगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि ये जान लीजिए कि दुर्घटना के योग अगर बनते हैं तो अपनी सावधानी भी ज़रूरी है। लेकिन सावधानी के साथ साथ इन उपायों को भी करते हैं ना तो आपके साथ क्या होता है, नहले पे दहला यानी कि बारिश में छाता यूज़ करने के समान होती है। तो देखिए, हर इंसान की जन्म कुंडली में हम लोग जब देखते हैं कि दुर्घटना की स्थिति क्या है, उस इंसान को किस तरह से इसके उपाय करेंगे, किस तरह से इसके बचाव करेंगे, तो वो सारी चीज़ें ना ज्योतिष उपाय में बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। और अगर इसको फॉलो भी करते हैं तो आप देखेंगे कि आप इसके बचाव से बहुत जल्दी उभर रहे हैं, है ना। देखिए, जो होना रहता है ना वो तो हो के रहता है, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बचाव का रास्ता ज़रूर ढूंढते हैं और ज्योतिष में यही रास्ते बताए गए हैं जिसे आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोगों को वो पहला उपाय ज़रूर बताती हूँ। तो वो पहला है कि हर शनिवार शनिदेव के लिए सरसों तेल का दान ज़रूर कीजिए। ठीक है, इसके लिए एक कटोरी में तेल लें और उसमें अपना चेहरा देके और उसके बाद तेल को दान कीजिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है छाया दान को लेकर, तो छाया दान को लेकर अगर आप लोग वो वीडियो देखा है ना तो आपको समझ में आएगा कि उसमें मैंने छायादान कहा था कि धन संबंधी प्रॉब्लम है, कर्ज संबंधी प्रॉब्लम है, शनि की प्रॉब्लम है। और अब इसमें और एक चीज़ ऐड कर रही हूँ कि अगर दुर्घटना संबंधी अगर अक्सर छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए, यानी कि तेल का दान कीजिए और छाया दान कीजिए। बहुतों ने मुझसे उस वीडियो में पूछा था, जो जिस बात को मैं आज यहाँ पर क्लियर कर दे रही हूँ, कि मैंने कहा था एक लोहे के कटोरे में सरसों के तेल को भरकर उसमें चेहरा देखकर आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख के आना है। बहुतों ने कहा क्या बर्तन लेकर आना है, नहीं। देखो, शनि को ना लोहे, काले तेल, सरसों तेल, काले कपड़े, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो दान हो जाती है। दान मतलब क्या है, दान कर दिया ना, तो फिर वो कटोरे आपको लेके घर पे नहीं आने हैं, आपको उसको दान ही कर देना है। तो इस बात का ध्यान आप लोग जरूर रखना। ठीक है, अगली है कि दुर्घटना का योग टालने के लिए ना हनुमान जी की आराधना का विशेष महत्व होता है और इसके लिए शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक, ओम, श्री राम लिखा हुआ या हनुमान जी का चित्र बना हुआ लाल झंडा किसी भी शुभ मुहूर्त में घर में लेकर आए और घर के कहीं भी यानी छत पे, बालकनी में इस झंडे को विधि पूर्वक आप पूजा कीजिए
यानी कि शनिवार को कीजिए या मंगलवार को कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अच्छे से इसको पूजा कीजिए और उसके बाद इसे छत पर लगा दीजिए, बालकनी में लगा दीजिए और भगवान से अनहोनी टालने के लिए प्रार्थना कीजिए कि भगवान मेरे साथ कोई भी किसी भी तरह का अनहोनी ना हो। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है कि महीने में कम से कम एक दिन हनुमान जी को ना लाल फूल, लाल लंगोट, लाल झंडा जरूर चढ़ाइए। ये हनुमान जी को बहुत प्रिय होते हैं तो इन सारी चीज़ों को जरूर चढ़ाया कीजिए। लड्डू तो है ही, लड्डू दिया कीजिए, हनुमान जी खुशी खुशी आपके सारे काम कर देंगे। और लड्डू के साथ अगर चना और गुड़ का भी भोग लगाते हैं तो भी हनुमान जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और साथ में सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड के पाठ के समय अधिक क्या होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सुंदरकांड में, 1 से 1.5 घंटा टाइम तो लग ही जाता है। ठीक है, अगर समय का अभाव है तो रोजाना आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अगर समय का अभाव है तो, नहीं तो हर ट्यूसडे एवरी सैटरडे आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आप देखेंगे इससे ना इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ में धन संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम है, दुश्मन बहुत सता रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, तो भी सुंदरकांड लाजवाब काम करता है। ठीक है, अगली है कि हनुमान जी के मंदिर जाकर भगवान के सामने सरसों का तेल भरकर मिट्टी का दीपक रोज जलाया कीजिए, अगर संभव हो तो, नहीं तो आप मंगलवार और शनिवार को शाम को ये कर सकते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा उपाय होता है। और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए। मंदिर में देखेंगे ना, हनुमान चालीसा अगर मंदिर में बैठकर करते हैं या फिर पीपल के पेड़ के नीचे भी बैठकर करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, ये उपाय बहुत कारगर साबित होता है। और अगर रोज़ संभव नहीं है तो मंगलवार शनिवार को तो आप कीजिए ही, साथ में इस बात का ध्यान रखिए कि अगर बहुत आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती है, इसलिए थोड़ा सा कष्ट करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो इसका फल भी आप लोगों को बहुत जल्दी दिखेगा। ठीक है, अगली जो आती है कि घर से निकलने से पहले ही देवी दुर्गा जी की पूजा ज़रूर कीजिए। दुर्गा माँ की पूजा करने वाले लोगों को अधर्म और अपवित्रता से बहुत मतलब होता है ना कि बचना चाहिए। अगर आप दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं यानी देवी शक्ति की पूजा कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिए। महिलाओं का सम्मान कीजिए, कभी भी अपने माता का अनादर बिल्कुल भी मत कीजिए। अनादर मतलब अनादर, लेना थोड़ी सी खराब है, थोड़ा मैनेज कर लेना, अनादर मत कीजिए। ठीक है, और माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलना चाहिए, दुर्घटना का योग टल जाता है। हम बंगाली में ना जब भी मतलब घर से कोई बाहर जाता है ना, जैसे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं और मेरा बेटा स्कूल जा रहा है या फिर कोई दूर से आया था रिलेटिव वो जा रहा है या फिर मैं कभी बाहर जाती हूँ ना, तो मेरी सासू माँ ना हमेशा दुर्गा दुर्गा कहती है, दुर्गा दुर्गा, तो ये भी कह दिया कीजिए। इससे भी क्या होता है ना कि बलाएँ जो है ना वो टल जाती है। मैंने क्या बोला, दुर्गा दुर्गा ये कह दिया कीजिए। कोई जा रहा है, घर से निकल रहा है तो क्या होता, अला बला जितनी भी होती है ना टल जाती है। साथ में एक्सीडेंट के अगर योग बन रहे हैं वो भी टल जाते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी बोल दीजिएगा दुग्गा दुग्गा, दो बार बोलिएगा। ठीक है, और पीछे से कभी किसी को ना टोका मत कीजिए, जब वो निकल जाता है दरवाजे से बाहर कभी टोका मत कीजिए, इस बात का ध्यान जरूर रखा कीजिएगा। क्योंकि टोकने से क्या होता है, हो सकता है कुछ शुभ होने वाला है वो टोक लग जाती है, कुछ अशुभ होने वाला है तो आप दुग्गा दुग्गा बोल के उसे काट सकते हैं, लेकिन कभी भी पीछे से ना मत बुलाया कीजिए। तो ये भी एक उपाय है जो छोटी सी है, जो सबको पता है शायद, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।